गए। मेरा नाम चौधरी वी सिंह कांबोज है और मैं हिंदू योद्धा परिवार एंड अखिल भारत हिंदू महासभा में पश्चिम उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारे कुछ साथी उन्होंने जो कि बजरंग दल वगैरह से संबंध रखते थे वो परसों लोग यहाँ पे आए थे और उन्होंने अधिकारी को 48 घंटे का समय दिया था, दो दिन का समय दिया था ये बाथरूम यहाँ से हटाने के लिए, जो कि आप ये मंदिर देख सकते हैं कम से कम 100 साल पुराना मंदिर है और उसकी दीवार पर पेशाब करने का कार्य लगातार किया जा रहा है। दो दिन पहले हमारे जो हिंदू योद्धा थे वो आए थे, उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेट दिया था लेकिन वहां से कोई कार्रवाई नहीं अभी तक नहीं हो पाई है, तो हम लोगों ने खुद ही डिसाइड किया कि हम इसे धराशायी अपने आप करेंगे। और कल से परसों से कल भी हमारे पास वीडियो है और आज भी हमारे पास वीडियो है कि डेली लोग आ रहे हैं, इस पर पेशाब कर रहे हैं और हमारी जो धार्मिक भावना है उसको हाथ करने का कार्य लगातार किया जा रहा है। इसके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नगर पालिका की तरफ से नहीं हुई है तो हम इसे खुद ही इसे ढाने में सक्षम है और हम इसे ढा चुके हैं और अभी इसे साफ कर देंगे, बिल्कुल साफ करेंगे। जय श्री राम। रोडवेज बस स्टैंड के पास एक मंदिर है और मंदिर के बराबर में ही बिल्कुल दीवार से मिलता है टॉयलेट बना गया, उसको लेकर हटवाने की मांग चल रही है, क्या कुछ कहेंगे आज? सहारनपुर के अंदर ये केवल एक मामला नहीं है और यहाँ के नगर निगम ने पूर्व में भी एक हिंदुओं के धार्मिक स्थल को तोड़ा था जिसके लिए यहाँ बजरंग दल ने आंदोलन किया था और वहीं पर धरने पर बैठे थे। उसके बाद उन्हें सूद आई, उस धार्मिक स्थल का पुनः उन लोगों ने निर्माण करवाने का आश्वासन दिया और वो हो भी गया। और ऐसे दो तीन मामले नगर निगम सहारनपुर में कर रहा है और पता नहीं क्यों नगर निगम के अधिकारी क्यों एक बंदे बैठे हुए हैं और इस प्रकार की जो यहाँ घटना हुई है ये हो रही है कि धार्मिक स्थल से और शौचालय का निर्माण वहाँ किया गया है उसके पीछे की तरफ, उसे तुरंत नगर निगम को संज्ञान लेते हुए और वो तुरंत शौचालय वहाँ से हटा जाना चाहिए और अधिकारियों को संज्ञान लेते हुए उन लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए जिन लोगों ने वो शौचालय वहाँ और मंदिर का सटाकर बनाया गया। अगर ये नहीं तोड़वाया जाता तो उसके आगे यदि नगर निगम उस शौचालय को नहीं हटाता और प्रशासन उन पर कार्रवाई नहीं करता तो जिस प्रकार से बजरंग दल नगर निगम के अंदर पूर्व में भी धार्मिक स्थल को लेकर धरना दिया था उसी प्रकार से हम फिर बाध्य होंगे और फिर हम वहाँ धरने पर बैठेंगे। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।